आजकल हम में से ज्यादातर लोग घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ जरूर ले जाते हैं। ये अच्छी आदत है, लेकिन असल सवाल ये है कि आप किस तरह की बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं। सही पानी की बोतल चुनना आपकी सेहत और हाइड्रेशन दोनों के लिए जरूरी है। धातु की पानी की बोतलें, जैसे स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम की बोतलें, टिकाऊ, आसानी से ले जाने की सुविधा और पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण काफी पसंद की जाती है। लेकिन जब सेहत की बात आती है तो कुछ और भी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सर, जो आज के युग में हो गया है, पहले केवल प्लास्टिक के पानी की बोतल सबसे ज्यादा यूज में आती थी और स्टोर में पानी उसी में होता था, लेकिन आज के जमाने में जो अन्य अन्य बोतलें आई है, क्या वो फायदेमंद है? देखिए, अभी तक हम लोग डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक बोतल यूज करते थे वो निश्चित ही कहीं ना कहीं हानिकारक थी। उसमें प्लास्टिक में कहीं ना कहीं ऐसे केमिकल होते हैं जो शरीर को, स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाते हैं। इसके अलावा भी कई तरह की बोतल चल गई, जैसे एल्यूमिनियम की बोतल है, तांबे की है, कॉपर की है, लोहे की भी है। तो इसमें जो मेटल्स की होती हैं, जैसे कि तांबे की और कॉपर की, ये इनसे कहीं ना कहीं फ़ायदा ही है। इससे फ़ायदा ये है कि जो कॉपर है या जो तांबा है वो निकल निकल के पानी के साथ शरीर में जाता है, जो शरीर में कॉपर तांबे को कमी को पूरा करता है। जिससे किन्हीं लोगों को अगर तांबे की कमी है बॉडी में, कॉपर की कमी है, तो वो उसकी पूर्ति करता है। पहले के जमाने में ज्यादातर लोग पानी पीने के लिए तांबे का बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तांबे के बर्तन में पानी पीना बहुत ही फायदेमंद होता है, इससे कई बीमारियों का खतरा दूर हो जाता है। तांबे के बर्तन में मौजूद पोषक तत्व पानी में मिल जाते हैं और सेहत को फायदा पहुंचाते हैं। अगर बात करें प्लास्टिक बोतल की, तो प्लास्टिक चाहे किसी भी तरह की हो, प्रकृति और सेहत दोनों के लिए नुकसानदायक है। कई लोग पीने के लिए प्लास्टिक वाली बोतल बंद पानी भी खरीदते हैं और फिर पानी पीने के बाद उस बोतल को घर के जाते और बार बार यूज करते रहते हैं। आज हम आपको प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने के कुछ हानिकारक प्रभावों की जानकारी देने जा रहे हैं। पहले केवल प्लास्टिक की बोतल का पानी पीने के लिए यूज होता था और स्टोर करने के लिए उसमें ही पानी यूज करते थे, सफर में बोलो लोग या कहीं पर भी बोलो या ऑफिस में बोलो। लेकिन आज के युग में तांबे की, स्टील की, कॉपर की बोतल आ गई। सबसे बेटर यदि कोई बोतल मानेंगे जिसको पानी स्टोर करे, तो कौन सी बोतल होगी? मेरे हिसाब से तो सबसे बेटर जो बोतल होनी चाहिए वो तांबे की होनी चाहिए, क्योंकि पहले से भी जो हमारे पूर्वज जो पानी पीते थे तांबे की बोतल में पीते थे और उनका शरीर काफी अच्छा रहता था। और आज हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने का जो बीमारियों का कारण बढ़ गया है, उसमें से एक कारण ये भी है। इसमें प्लास्टिक की बोतलों में पानी बहुत दिनों तक भर के रखा जाता है, जिससे पानी का जो क्वालिटी है वो खराब होती है। तो मेरे हिसाब से प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना चाहिए। कौन सी बोतल का यूज करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा जो स्टील की आती है और तांबे की आती है बोतलें, उनका यूज करना चाहिए। उसमें पानी की क्वालिटी अच्छी रहती है। पानी की क्वालिटी नहीं करती, स्वास्थ्य पर भी कोई बुरा प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य पर बिल्कुल 100% पड़ता होगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो खुद ही 70% पानी से बनी हुई है। हम अच्छा पानी यूज करेंगे तो हमारा बॉडी अच्छी रहेगी, और खराब पानी यूज करेंगे तो नेचुरली खराब होने चालू हो जाएगी। तो प्लास्टिक की बॉटल में जितने लंबे समय आप पानी रखेंगे तो उतना समय जो उसका क्वालिटी है वो खराब होते जाएगा, और जो प्लास्टिक है वो भी उसके अंदर आता जाएगा। तो हम इनडायरेक्टली पानी के साथ प्लास्टिक भी ले रहे हैं। तो ऐसा करना चाहिए कि इसको जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। लोकल 18 बुरहानपुर से मोहन धाकले की रिपोर्ट।